हेलो गाइज एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स जो कि सीईटी का एग्जाम लिखने वाले हैं फॉर द ईयर 2024। गाइज इफ यू क्विकली विजिट टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीईटी सेल और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर तुम्हें डॉक्यूमेंट ऑन नॉर्मलाइजेशन फॉर महाराष्ट्र एमबीए ये दिख जाएगा नोटिफिकेशन। इसको अगर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑन नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन को लेकर हमेशा से कन्फ्यूजन होता है हर एक स्टूडेंट्स के दिल में कि ये नॉर्मलाइजेशन हुआ कैसे। एक्चुअली द कैंडिडेट्स विल बी गिवन डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन इन एवरी शिफ्ट एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स ऑफ मेंटेनिंग इक्विवेलेंस अमॉन्ग वेरियस क्वेश्चन पेपर्स द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दीज क्वेश्चन पेपर एडमिनिस्टर्ड इन डिफरेंट शिफ्ट मे नॉट बी एग्जैक्टली द सेम। तो इनका ये कहना है कि हर एक स्लॉट में जितने भी पेपर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे एक दिन में तीन स्लॉट है तो तीनों स्लॉट में अलग डिफिकल्टी लेवल तुम्हें देखने को मिलेगी। इन ऑर्डर टू ओवरकम सच अ सिचुएशन नॉर्मलाइजेशन मेथड विल बी यूज फॉर एंश्योरिंग दैट कैंडिडेट्स आर नीदर बेनिफिटेड नॉट डिसएडवांटेज्ड ड्यू टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये नॉर्मलाइजेशन हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है। तो इस बार भी नॉर्मलाइजेशन इन्होंने किया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज एन एस्टैब्लिश प्रैक्टिस फॉर कंपेयरिंग कैंडिडेट स्कोर अक्रॉस मल्टी शिफ्ट पेपर्स and is similar to those being adopted in other large educational selection test conducted in India. तो ये कैसे करेंगे? Percentile score सबसे पहले चेक होगा तुम्हारा। Percentile scores are score based on the relative performance of all those who appear for the examination. Basically the marks obtained are transformed into scale ranging from 100 to 0, यानी 100 percentile से लेकर 0 percentile for each session of the examinees. मतलब हर एक slots के ये स्कोर्स देखे जाएंगे। द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स दैट हैव स्कोर इक्वल टू और बिलो दैट पर्टिकुलर परसेंटाइल इन दैट एग्जामिनेशन। देयरफॉर द टॉपर जिसका भी हाई स्कोर होगा ऑफ ईच सेशन यहाँ पर स्लॉट की बात हो रही है विल गेट द सेम परसेंटाइल ऑफ 100 विच इज़ डिजायरेबल। तो यानी अगर तुमने अपने स्लॉट में हाइस्ट स्कोर किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा स्कोर आया है 150 का और तुम्हारे वो स्लॉट में और किसी का भी स्कोर 150 नहीं आया है, देन यू विल बी दी 100 परसेंटाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्लॉट। द मार्क्स ऑब्टेंड इन बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर आर आल्सो कन्वर्टेड टू अप्रोप्रिएट परसेंटाइल्स। द परसेंटाइल स्कोर विल बी कैलकुलेटेड अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस टू अवॉइड बंचिंग इफेक्ट्स एंड रिड्यूस टाइज। तो 0.7 डेसिमल, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा स्कोर आया है 99.034567, जो पॉइंट के बाद 7 डेसिमल्स जाएंगे उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। और ये परसेंटाइल कैलकुलेट करने का इन्होंने यहाँ पर फॉर्मूला भी दे रखा है, 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर्ड इन द सेशन विद रॉ स्कोर। अब ये रॉ स्कोर जो भी होगा तुम्हारा, तुमने 130 स्कोर किया, 140 स्कोर किया, 150 स्कोर किया, ये तुम्हारा रॉ स्कोर होगा। लेस देन इक्वल टू द कैंडिडेट स्कोर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द सेशन। तो रॉ स्कोर लेस देन इक्वल टू द कैंडिडेट स्कोर, उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द सेशन। अभी एक सेशन में फॉर एग्जाम्पल 200 बच्चों ने अपियर किया तो वो हिसाब से ये फार्मूला काम करेगा। इफ़ यू स्क्रॉल डाउन फर्दर तो यहाँ पर इन्होंने और भी डिटेल्स दी गई है, अब इसको समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स वर एज फॉलोज। तो ये सेशंस वाइज इन्होंने बांटा हुआ है इसको, सेशन वन डे वन और इसको बैच वन। बैच वन इन द सेंस तुम अपना स्लॉट वन काउंट कर सकते हो, सेम सेशन टू डे वन बैच टू यानी स्लॉट टू, सेशन थ्री डे टू बैच वन यानी डे टू का फर्स्ट स्लॉट। तो अगेन इस टेबल को देख लेते हैं, सेशंस दिए हुए हैं यहाँ पर, मतलब तुम्हारे स्लॉट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, स्लॉट 1, 2, 3, 4, डे वन, डे वन, डे टू, डे टू और बैच वन, बैच वन, बैच टू। अब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हर एक स्लॉट में कितने थे, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशनल डेटा है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होने वाली है। तो बैच वन यानी स्लॉट वन डे वन में 2,399 स्टूडेंट्स लोग ने रजिस्टर करा था, जिसके अंदर से प्रेजेंट थे 2,249 स्टूडेंट्स, 150 स्टूडेंट्स एबसेंट थे उसके अंदर। और उसके अंदर किसी पर्टिकुलर बच्चे को मिला है 154 का हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट गया है 1 मार्क, ठीक है। सेम वाइज ये इन्होंने डे वन बैच टू, डे टू बैच वन, डे टू बैच टू के लिए भी दिया हुआ है कितने बच्चों ने रजिस्टर करा था, कितने एबसेंट थे और कितने प्रेजेंट थे और क्या उनका पर्टिकुलर स्लॉट्स में हाईएस्ट स्कोर गया हुआ है। तो हर एक स्लॉट्स में जैसे कि इसमें 154 है, 157 है, 149 और 161 रेस्पेक्टिवली हाईएस्ट स्कोर गया हुआ है। इन दिस मेथड ऑफ स्कोरिंग द हाईएस्ट रॉ स्कोर इन ईच पेपर इररिस्पेक्टिव ऑफ द रॉ स्कोर विल बी 100 परसेंटाइल, इंडिकेटिंग दैट 100 परसेंटाइल ऑफ कैंडिडेट्स हैव स्कोर इक्वल और लेस देन हायर स्कोर
टॉपर ऑफ दैट सेशन। तो जो हमने फार्मूला ऊपर देखा था ये सेम वही फार्मूला है। अब देख लेते हैं इस टेबल को भी, हाईएस्ट रॉ स्कोर एंड परसेंटाइल स्कोर। ऑल दी हाईएस्ट रॉ स्कोर विल हैव नॉर्मलाइज्ड परसेंट स्कोर ऑफ 100 फॉर देयर रिस्पेक्टिव सेशन। तो जितने भी हाईएस्ट स्कोर हैं हर एक स्लॉट से, हर एक सेशन से, उसको 100 परसेंटाइल काउंट करा जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर सेशन वन यानी स्लॉट वन में 2249 जो हमने यहाँ पर देखा था, उसमें से हाईएस्ट स्कोर था 154 का। तो उसको ये वाले फार्मूला से डिवाइड करेंगे 100, 2249 डिवाइड बाई 2249 इंटू 100। सेम हर एक स्लॉट के लिए ऐसे ही कैलकुलेट करने वाले हैं। और यहाँ पर दिया गया कि ऑल दी हाईएस्ट रॉ स्कोर वुड बी नॉर्मलाइज टू 100 परसेंटाइल स्कोर फॉर देयर रिस्पेक्टिव सेशन। तो अगर तुम्हारे स्लॉट्स में तुम्हारा हाईएस्ट स्कोर है, फॉर एग्जांपल 150-160 तुम स्कोर कर रहे हो, सो यू वुड बी द टॉपर ऑफ दैट स्लॉट, तुम्हें 100 परसेंटाइल मिलने वाला है। इफ यू स्क्रॉल डाउन फर्दर तो यहाँ पर अगेन इन्होंने ये फार्मूला मेंशन करा हुआ है कि टोटल परसेंटाइल इक्वल्स टू 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम द सेशन। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि हर एक सेशन में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जैसे स्लॉट वन में 2249, स्लॉट टू में 2272, स्लॉट थ्री में 2216। तो यही सेम फार्मूला है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर फ्रॉम द सेशन विथ रॉ स्कोर। रॉ स्कोर क्या होगा तुम्हारा, 150, 160, 140, 130 जो भी तुमने स्कोर किया है, इक्वल टू और लेस देन टोटल स्कोर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन दैट सेशन। और यहाँ पर इन्होंने एक टेबल भी दे रखा है जिसमें तुम्हारा रोल नंबर होगा, रॉ स्कोर और परसेंटाइल। अब रोल नंबर के हिसाब से यहाँ पर ये स्लॉट में एक बच्चे को मिला है 154, तो उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पर 100 परसेंटाइल कैलकुलेट हो जाएगा। सेम स्लॉट टू में भी अगर किसी को 154 मिला हुआ है तो वो 100 परसेंटाइल कैलकुलेट हो जाएगा। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो ये जितने भी अलग अलग स्लॉट से आए हुए हैं इनको मिला है 100%। और ऐसे ही तुम अगर नीचे बढ़ते जाओगे तो रॉ स्कोर अगर 3 आया है तो उसका परसेंटाइल 0.31 होगा, 4 आया है तो 0.20 होगा। अगेन ये सारा जो डेटा है, द रोल नंबर्स एंड स्कोर प्रोवाइडेड इन दी अबव टेबल आर ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशनल पर्पस, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशनल पर्पस है, सिर्फ तुम्हें समझने के लिए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होने वाली है इस साल। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होने वाली है। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने स्लॉट में उन्हें क्या स्कोर आएगा तो स्कोर के हिसाब से वो अपना नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।